नमस्कार दोस्तों, अना नेल स्कूल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैंने बहुत सारे डिफरेंट एक्रेलिक पाउडर्स यूज़ किए हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आप पहली बार सब्सक्राइब चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये क्विक स्वाचेज है जो एक्रेलिक मैं यूज़ करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी किया है, तो ये सब अभी डिटेल्स में देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का नेल्स जो है वो मैंने नेल फॉर्म्स के साथ प्रेप किया है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई मैनिक्योर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको पता नहीं है ड्राई मैनिक्योर कैसे करते हैं तो मेरा पिंड वीडियो जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने स्टेप्स इंक्लूड किए हैं। और यहाँ पे ड्राई मैनिक्योर कम्प्लीट करने के बाद हम एक्सटेंशंस की तैयारी के लिए सबसे पहले डिहाइड्रेटर लगा देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एसिड फ्री प्राइमर इस्तेमाल किए हैं। तो ये जो दो एक्रेलिक पाउडर मैंने आपको दिखाया वो आज हम यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ TNT का भी एक्रेलिक पाउडर हम यूज़ करेंगे। और नेल एक्सटेंशंस बनाने के लिए हम यहाँ पे आज यूज़ करने जा रहे हैं नेल फॉर्म्स। काफ़ी दिनों बाद मैंने नेल फॉर्म्स निकाले हैं क्योंकि बहुत सारे वीडियोस टिप्स से ही हम कर रहे थे। तो नेल फॉर्म्स कुछ इस तरीके से आप पील करेंगे, उसका जो छोटा सा पीस है उसको पीछे लगा देंगे, उसके बाद सामने वाला पार्ट इसी तरीके से आप पिंच करके क्लोज करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे सिसर यूज़ करके इसको ब्रेक करती हूँ। आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं बट मैं सिसर प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरे को वो ग्लू हाथ में ज़्यादा लगाना नहीं पसंद है, और वो उससे क्या होता है कि वो ग्लू थोड़ा कमज़ोर भी हो जाता है। तो उसके बाद कुछ इस तरीके से मैंने नेल पे फॉर्म को प्लेस किया। जो ब्लैक लाइन सेंटर में है उसको नेल के सेंटर में अलाइन करना है। उसके बाद जो आपका नेल्स के जो साइड का ग्रोथ पॉइंट है वो आपको मार्क करनी है। और यहाँ पे मेरा सेंटर एरिया जो थोड़ा आगे की तरफ पुश था तो इसकी वजह से साइड्स में गैप आ रहे थे, तो मैंने सेंटर पर थोड़ा सा डीप कट दिया ताकि फोम पूरी तरीके से पीछे की तरह आ सके और मेरे जो साइड्स में जो गैप आ रहा था वो कवर हो जाए। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो फोम फिटिंग कैसे होता है तो हमारा एडवांस क्लासेस में ये चीज़ हम सिखाते हैं। इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे पिंग करके पूछ सकते हैं और फीस वगैरह हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने फॉर्म्स को अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर दिया है, जिसे आप देख सकते हैं एकदम स्ट्रेट हमने फॉर्म को फिक्स किया है। और जो नेल शेप आज मैं करने जा रही हूँ वो कॉफिन शेप है, तो इसलिए मैंने फॉर्म्स को कुछ अलग तरीके से पिंच करके क्लोज किया है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ये ग्रीन वाली कलर यूज़ करने जा रही हूँ, तो काइंड ऑफ हम लोग यहाँ पे थोड़ा ओम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे हमारा जो फ्री एज है वो पूरी तरीके से ग्रीन रहेगा और जो पीछे वाला पार्ट है वो पिंकिश रहेगा। अब ये जो एक्रेलिक पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ ये ग्लैम एंड ग्लिट्स करके एक अमेरिकन ब्रांड का है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पाउडर है। मुझे कुछ टाइम पे मुझे इतना क्रेज़ था कि अलग अलग कलर का एक्रेलिक पाउडर लेने का, एंड ट्रस्ट मी ये फुल पैसा वसूल है क्योंकि क्वालिटी इसकी इतनी मज़ेदार है। और कलर ये एक्चुअली फ्लूरोसेंट कलर है, मतलब ऐसे समझो अगर आप पब वगैरह जा रहे हो जहाँ पे वो ग्लो करते हैं ना, अगर ऐसा लाइटिंग में जाओगे तो आपका नेल्स भी ग्लो करेगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना फ्री एज बना रही हूँ। तो जैसे आपने देखा बीड को नेल के ग्रोथ पॉइंट साइड में रखा और उसके बाद उसको दोनों कॉर्नर पे कनेक्ट किया और उसके बाद उसको स्ट्रेच करते हुए मैंने अपना नेल का जो लेंथ और शेप है वो यहाँ पे फॉर्म किया है। तो यहाँ पे मैंने फिर से अभी फॉर्म्स यूज़ करते समय लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि कितना थिकनेस होना चाहिए, तो पहले भी मैंने आपको बता चुके हैं ये चीज़ कि हमारा जो थिकनेस है वो एक क्रेडिट कार्ड का थिकनेस के लेवल का होना चाहिए। उसे थोड़ा कम चलेगा बट एटलीस्ट एक क्रेडिट कार्ड का थिकनेस रखना चाहिए, नहीं तो वो फिर ब्रेक हो सकते हैं। मतलब अभी एक्रेलिक का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये वेयर एंड टेयर में बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होता, तो इसलिए अगर आप एकदम ही पतला रखा तो दिखने में तो सुंदर लगेगा ही, बट फिर अगर आप कुछ ऐसे घर का काम वगैरह करें तो फिर कई इधर उधर से ब्रेक होने की चांसेस रहेंगे। तो एक क्रेडिट कार्ड का थिकनेस का उतना मेंटेन करने की आप कोशिश करिएगा। अभी पहले बीड से अब देखो आपने स्ट्रेच कर दिया और लेंथ शेप सब बन गया, बट वो खींचते खींचते आपका अगर थिकनेस कम पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक और बीड ले लो, वही एग्जैक्ट सेम जगह पे रखो और वहाँ पे आप थिकनेस रीबिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन कितना अच्छे से आप करोगे उतना आपका नेल का
शेप वगैरह अच्छा आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने सेकंड बीड रखा, मैंने ज़्यादा पीछे नहीं रखा, ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेस में ही रखा। उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से मैंने थिकनेस यहाँ पे इंक्रीज़ किया, क्योंकि मैं जब स्ट्रेच करके आ रही थी तो थिकनेस यहाँ पे थोड़ा कम हो गया था। और ये ग्रीन इतना मज़ेदार लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत पसंद आ रहा था। और आई थिंक ये मैंने पहली बार एक्चुअली इससे एक्सटेंशंस भी कराए, भले मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले खरीदे थे। और यहाँ पे सेकेंड बीड लिया, उसको भी मैंने कुछ इस तरीके से रख के ब्लेंड कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से हम दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। अभी क्यूटिकल करने के लिए मैंने यहाँ पे मेरा फेवरेट TNT का पिंक कलर एक्रेलिक लिया था, बट जो पिंक था वो जितना मुझे चाहिए था उससे थोड़ा कम था, तो मैंने यहाँ पे कुछ नियॉन पिगमेंट्स ऐड किया। तो ये फर्स्ट फिंगर है यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ, तो पिगमेंट जो मैंने डाला था वो एकदम ही अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ था पाउडर में, उसकी वजह से यहाँ पे आपका कलर हल्का सा कुछ कुछ जगह पे थोड़ा वॉश्ड आउट लगेगा और कुछ कुछ जगह पे एकदम डीप पिंक लगेगा, बट बाद में मैंने उसको फिक्स कर दिया था। अब फाइनल पिक्चर्स में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, कलर लिया, उसको थोड़ा सा क्यूटिकल से थोड़ा दूर रखा और उसको ग्रीन के साथ अच्छे से ब्लेंड कर दिया। उसके साथ साथ वही प्रोडक्ट से मैंने अपना क्यूटिकल भी यहाँ पे बना दिया। अभी आप देखोगे तो हल्के से एक पिंकिश दिख रहा है, स्पॉट दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि मेरा वो पिगमेंट जो मैंने ऐड किया था वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ था, थोड़ा सा मतलब मैंने घाई कर दी। तो आप यहाँ पे ये टेक्निक का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास कुछ अलग कलर आपको ऐसे बनानी है, तो आप पाउडर में अपना पिगमेंट्स मिक्स कर सकते हो, ठीक है, और इसको इस तरीके से कस्टम कलर्स आप बना सकते हो। तो ये करने के बाद मैंने मेरे पाउडर को और अच्छे से मिक्स किया था, तो बाकी फिंगर में आपको इतना ये डिफरेंस पता नहीं चलेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बट एनीवेज हम सब गलती से सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको जिस तरीके से ब्लेंड किया। अभी ये पूरा स्टेप ख़त्म होने के बाद हमको जो ग्रीन हमने बनाया था उसको हमें एनकैप्सुलेट करना है। जब भी ग्लिटर या फिर कलर क्लिक जब भी हम यूज़ करते हैं उसको हम क्लियर से एनकैप्सुलेट करेंगे, ताकि फाइलिंग में टाइम पे क्या होता है ना, ये ऐसे जो कलर टेक्सचर्ड पाउडर्स होते हैं वो फाइल करते समय अगर उसको एनकैप्सुलेट नहीं किया तो वो एकदम बड़े बड़े पीसेस में निकल जाएगा और आपका पूरा नेल का खूबसूरती मतलब ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम हमेशा इसको एनकैप्सुलेट करते हैं। और पूरा बनने के बाद कुछ इस तरीके से इसका आर्किटेक्चर आपको दिख जाएगा, ऑलमोस्ट परफेक्ट है। से सारे नेल्स कुछ इस तरीके से दिखता है, मैंने कुछ फिंगर्स में अलग कलर कॉम्बिनेशन यूज़ की है। और इसके बाद हम करेंगे फाइलिंग एंड शेपिंग। फाइलिंग के ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था, अगर आपको फाइलिंग करने के बाद अगर आपको लग रहा है आपका फाइलिंग परफेक्ट नहीं है तो वो वीडियो को आप रेफ़र कर देना, आपको बहुत ही हेल्प होगा। तो यहाँ पे मैंने 100-180 ग्रिड फाइल यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने साइड वॉल्स को कुछ अच्छी तरीके से लेवल करा, ब्लेंड किया। जैसे मैंने बताया ये जो नेल शेप है हम कुछ कॉफिन शेप का बना रहे हैं, तो उसका कॉफिन शेप का मतलब है उसका जैसे जैसे आपका फ्री एज की तरह आएगा वो थोड़ा ऐसे नैरो होते मतलब पतला होते जाएगा। और यहाँ पे मैं फाइल कर रही थी तो कुछ कॉर्नर पे वो फाइल नहीं जा रहा था, मैंने वापस अपना पतला फाइल यूज़ किया। तो ऐसे आपके पास अलग अलग मटेरियल होना चाहिए, कुछ 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 चीज़ों में मतलब हम ऐसे अलग अलग चीज़ें हमें यूज़ करनी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने फाइलिंग शेपिंग कंप्लीट कर दिया। फाइलिंग शेपिंग और बफिंग के बाद हमारा नेल्स कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी इसमें हम कुछ नेल आर्ट करेंगे। नेल आर्ट करने के लिए मैंने वापस उठाया अपना पिंक एक्रेलिक पाउडर, ये भी सेम ब्रांड का ही है, ग्लैम एंड ग्लिट्स का। इतना ब्यूटीफुल रानी पिंक पाउडर है ये, इतना मतलब बढ़िया कलर तो मुझे नहीं लगता मैंने किसी भी ब्रांड का देखा है। तो यहाँ पे मैंने ये पाउडर लिया, इससे हम कुछ 3D फ्लावर्स बनाएंगे। तो पहले एक बीड लिया, तो यहाँ पे जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो कॉलिंस की नंबर 4 ब्रश है, जो ये सब काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक्सटेंशंस करने के लिए नंबर 8 से ऊपर का यूज़ करते हैं, और ऐसे फ्लावर्स वगैरह बनाने के लिए नंबर 2 या 4 या 6 ऐसे आप नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बीड रखा,
इसको कुछ इस तरीके से हम पेटल की तरह फॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा सा स्पीड अप करने जा रही हूँ, इसको बाद में मैं शॉर्ट्स में थोड़ा स्लो वर्जन पोस्ट करेंगे अगर आपको इंटरेस्ट है तो। तो यहाँ पे हम ऐसे पेटल बनाएंगे और पूरा दो फ्लावर बनाएंगे और कुछ लीव्स बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मोनोमर मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा फास्ट सेटिंग मोनोमर है, जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि जब पेटल्स बनाते हैं वो टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए आपका जो बीड जो होता है वो एकदम गीला नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये जल्दी थोड़ा सेट होना चाहिए, नहीं तो हमको काफ़ी टाइम थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि पाउडर थोड़ा सा ऐसे टाइट हो जाए। ठीक है, तो इंस्टेड वेट करने की जगह पे अगर आप फास्ट सेटिंग मोनोमर यूज़ करेंगे तो फिर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पेटल को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे पर्टिकुलर शेप नहीं सोच रही हूँ, मैं बस रैंडम बनाते जा रही हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, अभी हम यही टेक्निक से बहुत अलग अलग तरीके का फ्लावर्स बना सकते हैं। यहाँ पे मुझे बस एक रैंडम फ्लावर डिज़ाइन बनानी थी, ऐसे कुछ कुछ ऐसे मतलब पेटल के ऊपर मैंने इतना कुछ ऐसे स्पेसिफिक डिज़ाइन सोच के नहीं बनाया, बस फ्लावर जैसे दिखना चाहिए था उतना ही सोचा था। ओके, ये बहुत इजी तरीके से बन जाता है। दो फिंगर्स में मैंने रोज़ेस बनाया और थंब और पिंकी में मैंने कुछ स्टोन्स लगाए। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमने ग्रीन और पिंक कलर यूज़ किए थे, तो हमारा जो स्टोन है वो भी उसी कलर का होगा। बट यहाँ पे नेल्स का जो फाइनल फिनिश है वो ग्लोसी की जगह पे मैंने यहाँ पे मैट टॉप कोट यूज़ कर रही हूँ ताकि मैट फिनिश आ जाए। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी, जो फ्लावर्स वगैरह मैंने बनाया वो बिना टॉप कोट किए बनाया था, बट वो गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब भी हम कुछ फ्लावर वगैरह बनाते हैं तो अपना टॉप कोट जो भी है मैट हो ग्लोसी हो वो आप पहले लगा देना, उसके बाद हल्का सा बफ़ कर देना और फिर जहाँ पे फ्लावर रहेगा वहीं पे बफ़ कर देना, और उसके बाद आप अपना क्या कहते हैं फ्लावर वगैरह बना देना। अभी नेल्स अपना पूरा हो चुका है, लास्ट में हम यहाँ पे थोड़ा क्यूटिकल ऑयल लगाएंगे, क्योंकि मैंने सोक ऑफ किया था और प्लस हम अल्कोहल एसीटोन सब यूज़ करते हैं तो स्किन को अच्छे से मॉइस्ट करनी है। और इसके साथ आज का जो क्रिएटिविटी है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये है हमारा फाइनल फिनिश। आपको क्या लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है ये डिज़ाइन, अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना, और आपने कभी ऐसी कोई टेक्निक ट्राई किया तो वो भी मुझे बता देना। अभी मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और कुछ कमेंट्स लिख देना ताकि वो मेरा वीडियोज़ थोड़ा और लोगों तक पहुँचने में हेल्प होगा। और अभी मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।